आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। एप्लीकेशन से अपन पढ़ रहे हैं तो ओपनएमप की तीन एप्लीकेशंस आपको बताई गई प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में फिर अपन एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अपने को पता होना चाहिए पहले कि कौन सी एप्लीकेशन है। तो अपन ने जब ओपनएमप की क्लास शुरू की थी और एप्लीकेशंस लगाई थी तो वहाँ पर अपन ने लिखा था लॉग रिथमिक ओपनएमप मीन्स लॉग और एंटी लॉग। इसको अपन एक्सपोनेंशियल भी बोल रहे थे। मैथमेटिक्स में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जब अपने पास कोई क्वांटिटी होती है और इसका अपन लॉग लेते हैं, सपोज करो क्वांटिटी एक्स है, लॉग लेते हैं तो ये क्वांटिटी लॉग एक्स बन जाती है। वो बात अलग है, बेस में ई और बेस में टेन, ठीक, वो बातें अलग। लेकिन लॉग लेने के बाद यदि वापस उसका एंटी लॉग अपन लेते हैं तो वापस क्या मिल जाता आपको, ये क्वांटिटी मिल जाती है। मीन्स क्या बोलते हो कि लॉग से एंटी लॉग डिवाइडेशन हो जाता है वन टाइम, तब वापस आप उस क्वांटिटी तक पहुंच जाते। उसी प्रकार देखिए ओपेम भी अपने पास एक लॉग वाला है, दूसरा एंटी लॉग वाला है, ठीक है। तो अपन इनका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए जो सर्किट एलिमेंट होंगे, ध्यान से समझिए, बोर्ड के राइट साइड काम हो रहा होता है, वो टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा होता है और अपनी क्लास भी यहीं से शुरू होती है, ठीक है। पहले अपन वही देखते हैं कि कहां तक अपने को पहुंचना है। चलिए जो भी अपन इनके लिए सर्किट ड्रॉ करेंगे उनमें सर्किट एलिमेंट क्या होंगे, रेजिस्टेंस ले लो बाइसिंग के लिए और उसके साथ एक डायोड अपने को कनेक्ट करना है। डायोड कनेक्ट करने की मीन्स डायोड कनेक्ट करने का जो मेनर होगा वो मेनर ही डिसाइड करेगा कि जो एम्पलीफायर बनाया वो लॉग है या फिर एंटी लॉग। ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट था, अब अपन फिजिक्स की तरफ पे मूव कर रहे हैं। अब देखने से अपने को लगा, इतना समझने से कि अपने पास डायोड काम में आने वाला है। तो डायोड के लिए एक इक्वेशन होता है कि डायोड का आपको समीकरण निकालना होता है, करंट का इक्वेशन। तो आईडी किसके इक्विवेलेंट होता है, आई एस इंटू ई की पावर, एक्सपोनेंशियल में वोल्टेज की कोई टर्म होती है। जब आप डीसी एनालिसिस करते हो तो वी डी अपॉन निटा वी टी, ठीक है, माइनस वन। समझिए ध्यान से क्या लिखा है, जब अपन डायोड पढ़ते हैं तो डायोड का इक्वेशन निकालते हैं और वो डायोड का समीकरण ग्रेजुएशन में आपको प्रूफ करने के लिए भी आता है कि आई डी इक्वल आई एस ई की पावर वी डी अपॉन निटा वी टी माइनस वन। यहाँ ये पता रखना है आई एस क्या होती है, सोर्स करंट। मैंने अभी तक कोई हेडिंग नहीं लगाई है क्योंकि पहले अपने को वो कॉन्सेप्ट पकड़ना है जिसकी मदद अपन लेके अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। डायोड का इक्वेशन है, अब अपने निकालना होता तो अपन प्रूफ करते, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने को सिर्फ यूज करना है। तो अपन इसको समझ रहे हैं कि है क्या, यहां जो आई एस होता है उसको सोर्स करंट कहा जाता है। मींस करंट के लिए जो सोर्स लगा रहता है उसमें कितनी करंट फ्लोइंग है। नेक्स्ट वी डी डायोड वोल्टेज, डायोड का वोल्टेज होगा, ठीक है। साथ में यहां वी टी, इसको बोला जाता है थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज का मतलब है कि इस वोल्टेज को अपन रेफरेंस मानते हैं, रेफरेंस मानने के बाद अपन वी डी वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। निटा एक फैक्टर होता है, जो डायोड होता है वो अर्धचालक से मिलकर बना होता है और अर्धचालक एक सिलिकॉन होता है, ठीक है, दूसरा जर्मेनियम। कि सिलिकॉन के लिए निटा अलग होता है, जर्मेनियम के लिए निटा अलग होता है। तो निटा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपन जो डायोड ले रहे हैं वो सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है। तो ये अपन ने अभी तक एक्सप्लेनेशन की है कि जो अपने पास लॉग और एंटी लॉग ओपेम्प रहेगा उनमें कौन से सर्किट एलिमेंट काम में आने वाले हैं और उनका प्रिंसिपल क्या, मीन्स वहां से इक्वेशन क्या निकलने वाला। अब ये कहा जाता है, थोड़ा सुनिए आप, ये कहा जाता है कि यहां जो एक्सपोनेंशियल की पावर होती है, समझिए बात को, ई की पावर एक्स का प्रसार क्या होता है, वन प्लस एक्सपेंड, यदि इसको अपन करें तो वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, इसी प्रकार ये
चलता जाता है। और यहाँ से यदि आप वैल्यू निकाल लो, और इसमें से क्या माइनस हो रहा है, वन, मीन्स इस इक्वेशन में से माइनस वन अपन करें तो वन से वन चला जाएगा, फिर भी वैल्यू क्या रहेगी, कुछ वैल्यू रहेगी। मीन्स यहाँ पर ये वाला जो मान है वो इस एक की तुलना में क्या रहता है जी, हाई रहता है। सुनिए बात को ध्यान से, यदि एक की कंपेरिजन में ये हाई है तब इस आई डी इक्वेशन को फाइनली आई डी इक्वल आई एस ई की पावर वी डी अपोन नीटा वी टी रखा जाता है, जो कि अपने को यूज्ड करना। अब ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, यहाँ से वन कैसे चला गया, यहाँ देख लीजिए ई की पावर एक्स को हटाया तो वन से वन चला गया, फिर भी टर्म रह गई, हाईली टर्म रह गई। इसका मीनिंग क्या, ये जो वैल्यू है वो इस वन के कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर वैल्यू ज़्यादा है अपने पास तो इस इक्वेशन को अपन इस इक्वेशन में रिड्यूज कर सकते हैं। अब अपन मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते, यदि आपको लॉगरिथमिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर चाहिए तो आप फीडबैक में डायोड लगाओगे। सुन लीजिए ध्यान से, जब आप लॉगरिथमिक एम्पलीफायर बनाओगे तो फीडबैक में डायोड लगाओ। ये सर्किट एलिमेंट्स की बातें हो रही है सारी, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन होगा मैथमेटिकल एनालिसिस वो तो बहुत सिंपल होगा, ठीक है। थोड़ा और समझिए, जब भी आप एंटी लॉग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करोगे तो डायोड को फीडबैक में नहीं लगाकर जहां आप इनपुट दे रहे हो उसके साथ में ही लगा दोगे डायोड को। समझ गए बात को, दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अबाउट ओवर दिस टॉपिक। अब अपन टॉपिक पे मूव करते हैं, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं जैसा कि आपको बताया गया, और इसी प्रिंसिपल के आधार पे अपन अपना सॉल्यूशन करते हैं। और अपने को ये मेजर करना है कि वास्तव में जो इनपुट है वो लॉग होके आपको मिल रहा है तो लॉग वाला एम्पलीफायर, और एंटी लॉग होके मिल रहा है तो एंटी लॉग। अब एंटी लॉग का दूसरा नाम भी हो सकता है एक्सपोनेंशियल। थोड़ा सा टाइम लगेगा, समटाइम्स वेट, और पूरी क्लास लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ में मेरा सजेशन है, नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए तो आप वहां से नोट्स भी लीजिएगा, क्योंकि समझना अलग होता है लिखना अलग होता है। चलिए थोड़ा आगे, नाउ वी विल मूविंग ओवर फर्स्ट टॉपिक लॉगरिथमिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है जी, पढ़ते सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है अपने को, सर्किट डायग्राम अपन देखेंगे कि कैसा सर्किट डायग्राम मिलेगा। ओपेम्प लेना है, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरफ तो आपको मालूम है आउटपुट निकालना है, लेकिन बताया था मैंने जैसे ही लॉगरिथमिक ले तो फीडबैक में रजिस्टर की जगह क्या लगाओगे, कोने में पड़ा डायोड आप लगाओगे। मींस इस तरफ अपन फीडबैक देंगे और फीडबैक में डायोड अपन कनेक्ट कर देंगे, ठीक है जी, ये लो डायोड। फिर अपने को इनपुट देना होता है तो इनपुट आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे दीजिए, दे दिया अपन ने, किसी रेजिस्टेंस के सहारे इनपुट जाएगा, इमेजिन कर लेते हैं रेजिस्टेंस आर है। जब एक टर्मिनल पे इनपुट देते हैं तो दूसरे वाला टर्मिनल ग्राउंडेड। दिस इज द नॉर्मल सर्किट डायग्राम ऑफ लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, लेकिन अपने को पता लगेगा जब अपन एनालिसिस कर देंगे, और एनालिसिस के बाद जो इनपुट वाला है वो लॉग की टर्म में आएगा, तब अपना कहना उचित होगा। अब अपने को समझना है कि यहाँ ये डायोड लगा है तो इस डायोड की क्या क्वालिटी है, तो पहले आप यहां समझिए, यदि अपन डायोड के बारे में बात करें, इस प्रकार का सिंबल जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सिरा है वो पी और ये वाला सिरा एन होता है। अब ध्यान से सुन लीजिए, यदि आप कभी पी के पास प्लस देखो या एन के पास माइनस देखो तो इसका मीनिंग होता है वो वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में, समझना बात को, ठीक है जी। इसका उल्टा हो, यदि पी के साथ आप नेगेटिव देखो और एन के साथ आप, इसका मीनिंग है वो वाला डायोड
रिवर्स बायस में, समझ गए। और खास बात क्या है, किसी भी सर्किट में यदि डायोड को लगाओ तो वो डायोड वर्किंग सिचुएशन में होना चाहिए। जब डायोड अपनी वर्किंग कंडीशन में होगा तभी वो आउटपुट में कोई अपनी भूमिका निभा पाएगा, अदरवाइज नहीं निभा पाएगा। इसका मीनिंग क्या है, डायोड हमेशा कैसा लो, फॉरवर्ड बायस ही आप लो। डायोड आपको ओनली फॉरवर्ड बायस में लेना है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट सर्किट की भांति काम करता है और रिवर्स बायस में डायोड ओपन सर्किट की भांति होता है। अब शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि यहां जो रेजिस्टेंस लगा है उनको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, मीन्स यहां इसको शट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, यदि अपन ओपन सर्किट की बात करें तो यहां से इस डायोड को हटा दिया जाएगा। जब डायोड को ही अपन ने हटा दिया तो अपने पास लूप ही नहीं बन रहा, मीन्स ये तो सीधा सीधा क्या बन गया, ओपन लूप इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। लेकिन अपने को तो बनाना कुछ और है, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। इसका मीनिंग क्या समझे आप, कि डायोड आप कनेक्ट कर रहे हो तो डायोड में हमेशा फॉरवर्ड बायस ही आप अज्यूम करोगे। अब अज्यूम ऐसे भी नहीं कर सकते, अपन करंट के डायरेक्शन से ही अपन अज्यूम करते हैं। सपोज कीजिए यहां, अब इसका डिस्कशन अपन करते हैं, जो मैंने बताया उसी को बेस लेंगे अपन। बेस लेने के बाद इस पर अपन पहुंचेंगे। यहां अपन इनपुट इसको दे पा रहे हैं वी आई की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां कोई करंट फ्लो होगी आई, ये करंट इस तरफ जाएगी, ये करंट इस तरफ। सपोज कर लेते हैं यहां कोई आई डैश चली गई, आई डबल डैश चली गई। इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट के ऊपर केसीएल आप लगाओ, क्या मिलेगा, इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट। इनकमिंग क्या है आपके पास, आई। अब आई की वैल्यू क्या है, ओम का नियम लगाओ, वी इक्वल आई आर। तो आई क्या है आपके पास, वी इनपुट डिवाइडेड बाई, समझ गए बात को, मीन्स यहां पर V इनपुट अपॉन R, ठीक है, इक्वल I डैश, इसमें कोई करंट एंटर नहीं होगी, और I डबल डैश जो करंट है वो किसके कारण फ्लो होगी, डायोड के कारण फ्लो होगी। अब अपना मेन मोटिव क्या है, इस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, I किसके इक्वल हो गया, I डबल डैश, समझ गए बात को। ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। और अब लगाएंगे आगे कि यहां पर वोल्टेज जीरो है, यहां जीरो है, क्यू पॉइंट मान लो, तो इस पॉइंट पे भी वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा, समझ गए आप इस बात को। लेकिन अब मेरे को ये डिसाइड करना था कि ये डायोड कौन सी बायस में जुड़ा हुआ है, तब मैं करंट वाला यह डिस्कशन कर पा रहा हूं। मीन्स यहां से यदि करंट आ रही है तो याद कीजिए, पॉजिटिव से नेगेटिव चलते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स करंट इधर से जा रही है टर्मिनल पॉजिटिव, इस तरफ गमन कर गई नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्लस किसके पास आ रहा है, पी सिरे के पास, प्लस पी सिरे के पास आया डायोड किस बायस में, फॉरवर्ड बायस में, और डायोड किसकी भांति वर्क करने लगेगा, शॉर्ट सर्किट की भांति वर्क करने लगेगा। इसका मीनिंग क्या है, डायोड से होकर कोई धारा फ्लो होगी। देखिए सर्किट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, उस सर्किट की वर्किंग समझना बड़ी बात होती है, ठीक है। तो अब समझ आया आपके कि डायोड फॉरवर्ड बायस में आ गया, मीन्स डायोड में से होके कोई धारा बहेगी, लेकिन इस डायोड में से धारा कितनी बह रही है, आई डबल डैश, और वो धारा बहेगी कितनी, वो टास्क भी आपका बताया हुआ है, ठीक है। देखिए इक्वेशन वन हो चुका, इसको मैं थोड़ा रफ कर दे रहा, ये जो इक्वेशन अभी अपन ने निकाला है अपन इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं। आई किसके इक्वल हो चुका, और आई अपन ने निकाल लिया, आई यहां से क्या होना, वी इनपुट डिवाइडेड बाई। अब अपन ने यह पता किया कि आई डबल डैश जो करंट जा रही है वो डायोड से जैसे ही फ्लो होगी तो डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। यदि डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गया, मींस यहां से इस डायोड की करंट जो आई डबल डैश, आप ये भी लिख सकते हो आई डबल डैश क्या है, डायोड में से जो करंट फ्लो हो रही है वो, और वैल्यू क्या बताई थी अभी अपन ने एनालिसिस किया था कि आई एस इंटू एक्सपोनेंशियल वी डी अपॉन निटा वी टी माइनस वन, लेकिन इसको अपन अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, आई डबल डैश विल अप्रोक्सीमेट आई एस ई की पावर VD अपॉन निटा VT। ये सारे SC पैरामीटर नहीं DC पैरामीटर होते हैं, निटा है, VT थेवेनिन वोल्टेज है, डायोड का वोल्टेज है, ठीक है। लेकिन अब अपने को टास्क क्या है, I डबल डैश मेरे को मिल जाए यदि मेरे को क्या पता हो, डायोड का वोल्टेज पता। जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से समझिए, ये टास्क अपन कंप्लीट कर चुके।
ठीक है, इक्वेशन लिखना रटना कोई बड़ी बात नहीं होती, समझना बड़ी बात होती है, और जिसके समझ एक बार आ जाता है कभी वो भूलता नहीं, या रटा हुआ भूल सकते हो आप, ठीक है ना। इक्वेशन 3 हो चुकी। अब जैसे तैसे करके यहां डायोड का वोल्टेज VD है, मैं ये निकालूं तो मेरा काम हो जाए। अब देखिए यहां ये डायोड लगा है और इसका वोल्टेज अपन क्या ले रहे हैं, VD, तो ये वोल्टेज आपको लेना है, तो इससे पहले वोल्टेज कितना है और आगे वोल्टेज, याद कीजिए मैं लगाने वाला हूं बाई वोल्टेज ड्रॉप, डेल्टा V अपन लेते थे V2 - V1, जहां V2 बाद वाला होता था और V1 पहले वाला होता था। यहां पर वोल्टेज क्या है, डेल्टा वी की जगह VD डायोड का निकालना है। इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है, वर्चुअल ग्राउंड से 0 था, यहां पर कितना पहुंचा 0, मीन्स 0 - V2। समझ आई बात, डायोड का वोल्टेज क्या आ गया। ओके डियर, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो बातें आपको मैंने बताई है उन्हीं को यूज कर रहा हूं इस सर्किट में। चलिए अपन थोड़ा आगे चलते हैं। इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 3। रख दीजिएगा, क्या मिलेगा IDS, आई डबल डेस ही क्या है, आईडी भी आप लिख सकते हो, डायोड का करंट इक्वल IH e की पावर -V0 डिवाइडेड बाई निकटा। ठीक है, आई डबल डेस की वैल्यू निकाल चुके अपन, इसको अपन इक्वेशन ले सकते हैं 5, बट आई की वैल्यू निकाली हुई है। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 पुट इन इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 2 एंड 5 पुट इन इक्वेशन 1, रख दीजिएगा आई की जगह VI/R दैट इक्वल IS e की पावर -V0/nV। ओके, फाइनली ओवरऑल आपको क्या निकालना होता है, आउटपुट निकालना होता है, तो इस इक्वेशन से अपन आउटपुट निकालेंगे। निकाल लीजिए IS का डिवाइडेशन दीजिए, VI डिवाइडेड बाई IS इंटू आर इक्वल e की पावर -V0/nV। समझ गए, e को मेरे को हटाना है तो इस इक्वेशन का मैं log ले लूंगा, क्योंकि log और e आपस में कैंसिल आउट होते हैं, टेकिंग log ले लो जी, लोग VI/ISR ओके इक्वल लोग e की पावर -V0/nV। लोग से e चला गया, मीन्स लोग VI/ISR दैट इक्वल, लोग तो चला ही गया, e की पावर e भी नहीं रहेगा, -V0/nV। फाइनली ओवरऑल आपको आउटपुट चाहिए होता है, निकाल लीजिए V0 इक्वल नेगेटिव उधर भेज दीजिए तो -nV मल्टीपल बाई लॉग VI/IS। इसको थोड़ा सुंदर आप लिख दीजिए, V0 इक्वल -nV लॉग m/m, लॉग m माइनस लॉग n, मीन्स लॉग एम की जगह VI माइनस लोग एन की जगह IS मल्टीपल कर दीजिए अंदर, V0 इक्वल -nV लोग ऑफ VI प्लस, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गए, फिर nV लोग छोटा लिख देते हैं इंटू IS। देखिएगा IS हो R हो nV लाइक एज कॉन्स्टेंट, मीन्स पूरे को अपन कॉन्स्टेंट की तरह एज्यूम करके चल रहे, क्योंकि सारी वैल्यू है ही कॉन्स्टेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला पार्ट है वो पूरा कैसा पड़ा है जी, कॉन्स्टेंट पड़ा है, तो बचा क्या ये, तो V0 प्रोपोर्शनल किसके हो गया, सिर्फ इनपुट देखिए, देखिए आउटपुट वोल्टेज इनपुट का कैसा है, लॉग है, तभी इसको क्या बोल रहे हैं, लॉगरिथमिक ऑपरेशनल
एम्पलीफायर। समझ आया? यहां आने के बाद अपने को ये निष्कर्ष मिला कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम डिजाइन किया गया है, ये लॉगरिथमिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, क्योंकि जो इनपुट दिया है आउटपुट इनपुट का लॉग होके अपने को मिला। रही बात इसकी, क्योंकि ये पूरा देखने में कांस्टेंट था, तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है कांस्टेंट हटाओ तो आप प्रोपोर्शनल लगा सकते हो, यदि इसको हटाएंगे तो वापस आप ये वाला पैरामीटर ले सकते हो। समझ आया पूरा कि लॉगरिथमिक ऑप एम्प क्या है? यहां आप लिख सकते हो दिस इक्वेशन इंडिकेट दैट द आउटपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर लाइक एज लॉग ऑफ टर्म विथ इनपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, पूरा डेरिवेशन आपके सामने है। जो भी क्वेश्चन आपको निकालना है, इसकी मदद से अपन कई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, काफी क्वेश्चन भी करेंगे, एक छोटा लॉजिक अपन इससे समझेंगे। ठीक है, समझ आया कि क्या लॉगरिथमिक है? बिल्कुल नहीं डरना, बहुत आसान। मेरे को तो कुछ नहीं पता था, इतना पता था कि ऑप एम्प था उसमें करंट आ नहीं सकती, वर्चुअल ग्राउंड पता थी, बस ये एक कॉन्सेप्ट था जो मेरा नहीं है, किसका है? डायोड का कॉन्सेप्ट है। मैं डायोड का कॉन्सेप्ट लेता हूं और फाइनल मेरा जो टारगेट है, मेरे को ढूंढना है कि आउटपुट लो इनपुट की किस टर्म में होना चाहिए, लॉग की टर्म में होना चाहिए, मैंने निकाला है। अब अपन मूव करते हैं एंटी लॉग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दिस विल बी कंप्लीटेड। फॉर्मूला याद रखना, आगे अपन काम में लेंगे। समटाइम्स वेट, और जुड़े रहिएगा और इंजॉय करते रहिएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ, जिससे अक्सर आप डर जाते हो, वो डर आपका आई स्टडी निकाल देगा। Now we will discuss about anti-log operational amplifier, दूसरा नाम भी है जी, exponential। अब वो अपन ने पूरा पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि अब जो सर्किट डायग्राम अपन बनाएंगे उसमें आउटपुट होगा वो e की पावर में निकलेगा इनपुट के। ठीक है, निकालते हैं। और क्या बताया था कि जब भी आप एंटीलॉग पढ़ते हो तो एंटीलॉग के लिए डायोड को आपको वहीं पे कनेक्ट करना होता है जहां आप इनपुट दे रहे होते हो। ठीक है, चलते हैं। पहला काम सर्किट डायग्राम, ठीक है, ट्रायंगल ऑप एम्प का होता है नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, किसी एक को ग्राउंड कर देंगे और दूसरे को कोई इनपुट, मींस इन्वर्टिंग को अपन इनपुट दे। आप कई क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए तो इसको ग्राउंड किया हुआ मिलेगा, यहाँ यदि डायोड रहेगा तो आप इस एनालिसिस कर दीजिएगा, जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताएं उससे आप एनालिसिस करते चलिएगा, रिजल्ट आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब इनपुट अपन देते हैं तो किसी रेजिस्टेंस के सहारे देते थे पीछे वाले में, लेकिन यहां क्या करना है, आपको बताया था इनपुट के साथ डायोड कनेक्ट करना है, ये कोई डायोड है, और फीडबैक में डायोड नहीं लगा है तो क्या लगा दो, रेजिस्टेंस लगा दो R। ठीक है, यहां तक ओवरऑल आपको क्या फाइंड करना होता है, आउटपुट फाइंड करना होता है। ये जो सर्किट डायग्राम है वो किसके लिए यूज करेंगे अपन, एंटी लॉग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है, जैसे अपन ने ये पूरा पढ़ा है वैसे ही इसका अपने को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, लगाइए दिमाग। अब पहला क्वेश्चन ही मेरा ये हो गया कि इस डायोड के सिरों पर वोल्टेज कितना है ये बता दीजिए आप, यहां पर ये डायोड है, यहां वोल्टेज वी आई डायोड लगा है, मीन्स जो इनपुट वोल्टेज है वही वोल्टेज किसके इक्विवेलेंट है, डायोड के इक्विवेलेंट है। समझ गए बात को? उसके बाद यहां आप इनपुट दे रहे हो तो करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, ये करंट यहां आएगी इस तरफ चली जाएगी, वापस वही बात है, डायोड में करंट फ्लो हो रही है प्लस टर्मिनल, और प्लस के साथ जब पी आता है तो कौन सी बायस, फॉरवर्ड बायस, दैट मीन्स This diode in working region
वर्किंग में है तभी ये अपना काम करेगा। अच्छा जी, थोड़ा और आगे अपन बढ़ते हैं कि यहाँ करंट का कॉन्सेप्ट अपन कैसे लगाएं और करंट का मान अपने पास क्या निकलेगा, निकाल लेंगे इजीली। यहाँ कोई करंट है सपोज आई, आई डी खुद से करना है आपको और साथ साथ मैच करना है। यहाँ अपन लिख सकते हैं बाई करंट कॉन्सेप्ट, इनकमिंग आई, आउटगोइंग आई डैश प्लस आई डबल डैश, बट आई डैश इक्वल आई किसके इक्वल हो चुका, आई डबल। लेकिन अब यहां आप ये देखिए जो करंट आई का मान है वही करंट किस में से फ्लो हो रही है, डायोड में से फ्लो हो रही है। जैसा पहले अपन इस वाली करंट को डायोड से फ्लो बता रहे थे, इस टाइम ये वाली जो करंट आई है वो इस डायोड में से फ्लो हो जाएगी। मीनिंग क्या है कहने का, आप ये भी लिख सकते हो आई डी ही किसके इक्वेलेंट है। बस ये इक्वेशन जैसे ही आपको मिल गया, अब आप जैसे तैसे करके आई डी की वैल्यू निकाल लो और आई डबल डी की वैल्यू निकाल लो और फाइनली ये ढूंढने की कोशिश कर लो कि आउटपुट वोल्टेज क्या है। निकालते हैं देखिए, अब आपको चाहिए आई डी, और आईडी कहाँ फ्लो होगी, ये वाली जो करंट फ्लो हो रही है वही आईडी। ओम्स लो, आई इक्वल वी अपॉन आर। अब यहाँ पर वी कितना होगा तो देखिए, वर्चुअल ग्राउंड लगाओ, यहाँ वोल्टेज जीरो, मीन्स इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या आ चुका, जीरो आ चुका। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ जो करंट डायोड की फ्लो हो रही है वो वोल्टेज वी आई माइनस आगे वाला जीरो अपॉन रेजिस्टेंस कितना लगा है जी, डायोड डी लगा हुआ है। ठीक है, डायोड डी लगा है मींस यहां पर अपन जो करंट का इक्वेशन काम में लेने वाले हैं वो इक्वेशन कौन सा लेंगे, डायोड का खुद का जो इक्वेशन होता है मींस आई इक्वल आई एश ई की पावर वी डी अपॉन नीटा वी टी माइनस वन, लेकिन अप्रोक्सीमेट आई एस ई की पावर वी डी अपॉन नेटा वी टी। जो भी पैरामीटर यहाँ काम में आ रहे हैं इन सब पैरामीटर्स के बारे में आपको बताया हुआ है कि ये पैरामीटर कौन से होंगे। मीन्स अपन ने आई डी निकाल लिया, डायोड का करंट था तो इस मेथड से अपन नहीं निकाल सकते क्योंकि डायोड का रेजिस्टेंस क्या है अपने को नहीं मालूम, लेकिन ये अपने को मालूम है कि डायोड में डायरेक्टली करंट कितना फ्लो होता है डायोड के इक्वेशन से आई इक्वल आई एस, जो आपके यहाँ बोर्ड पे लिखा है। ठीक है जी, इक्वेशन। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, आई डबल एस चाहिए, तो ये वाली करंट आपको चाहिए। तो यहाँ वोल्टेज कितना है, जीरो। यहाँ वोल्टेज आगे क्या है, वी नोट। तो यहाँ पे आप रूल लगा दीजिए और सॉल्यूशन कीजिएगा, देखिएगा। नाउ आई डबल एस जीरो माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस आर। ठीक है, फाइनली ओवरऑल करंट होगी तो आई डबल डैश क्या मिला, माइनस वी नोट अपॉन आर। समझ गए बात को, ये आई डबल डैश इक्वेशन। आपके पास आई डी प्रेजेंट है, आपके पास आई डबल डैश प्रेजेंट है, दोनों की आप वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा और आंसर निकालिएगा। यूजिंग इक्वेशन टू एंड थ्री इन इक्वेशन वन, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे। अभी तो लॉग एंटी लॉग ही हुआ है, इनकी मदद से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और निकलता है, वो भी अपन समझेंगे। ठीक है, रखिएगा आई डी की वैल्यू आई एश ई की पावर वी डी। अब देखिए वी डी क्या है, यदि मैं आपको बोलूं कि वी डी क्या है तो यहां देखिए वी डी ही डायोड के वोल्टेज के इक्वल अपन आगे रख देंगे वी डी अपॉन निटा वी टी दैट इक्वल माइनस वी नोट अपॉन आर। ओवरऑल अपना काम होता है वी नोट निकालने का, तो माइनस आर इन टू आई एस, सुंदर लिखो तो आई एस आर ए की पावर वी डी अपॉन निटा वी टी। बट वी डी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, लुक डायग्राम जो अपने वर्किंग पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग, देन वी नॉट इक्वल
आई एश आर एक की पावर वी आई अपोन नीटा। देखिए आई एस सोर्स करंट, यहाँ जो रजिस्टर लगा रहेगा वो भी लाइक एज कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका मीनिंग क्या निष्कर्ष निकला, नेगेटिव साइन प्रेजेंट है जी, लिखिए आप भी। मीनिंग क्या है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के कैसा है, एक्सपोनेंशियल की पावर में है। इसका मीनिंग क्या है, तभी इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीलोग या एक्सपोनेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस इक्वेशन से निष्कर्ष निकल चुका है, ठीक है। इजीली अपन ने पूरा कंप्लीट किया, पूरा डिस्क्रिप्शन सामने है, एक पिक में आपका पूरा टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट अपन आगे मूव करते हैं कि लोग और एंटीलोग दोनों की मदद से, जैसा कि मैंने बताया था मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, पहले आप लॉग लगाओ उसके बाद आप एंटी लॉग लगाओ, तो फाइनली आपके पास जो इनपुट आप दे पा रहे हो वही आपको मिलना चाहिए। अपन ये मेजर करते हैं, क्या आपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ ऐसा होगा, ध्यान रहे आपको इक्वेशन ये याद रखना है और ये वाला दोनों इक्वेशन आपको रिमेंबर रखने, डायरेक्टली अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं अपन आगे, और जो ये इक्वेशन था वो ओवरऑल था क्या, माइनस नीटा वी टी लोग वी आई अपोन आई एश आर, ठीक है, लोग वाले के लिए था और ये एंटी लोग वाले के लिए। यहां लिख भी सकते हो आप, ठीक है ना, लैंग्वेज कि इक्वेशन फोर रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन ऑफ एंटी लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। चलिए ये कॉन्सेप्ट अपन सीखते हैं, पहले आप लोग लगाओ उसके बाद आप एंटी लोग लगाओ। देखिएगा नोट की बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहले लोग एम्पलीफायर लेना है, डायोड इन फीडबैक सर्किट प्रोवाइडिंग इनपुट वी आई, ठीक है, एक्रॉस एनी रजिस्टर ये लो आर, इसको डायरेक्टली अपने को ग्राउंड करना है। यहां पर कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा, अपन वी नोट मान रहे थे, मान लिया अपन ने क्या है वी नोट। ये जो वी नोट है मैं उस सर्किट को दे देता हूं जो सर्किट एंटीलॉग में काम आने वाला है। तो एंटीलॉग का सर्किट कैसा होता था, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर डायोड यूज करते थे अपन और फीडबैक में रजिस्टर लगाते थे और यहां फाइनली ओवरऑल आउटपुट अपन निकालते थे, दिस टर्मिनल विल बी ग्राउंड। अब करना क्या है कि अपन ने इनपुट दिया किसको जी, लोग वाले को, इनपुट का क्या कर दिया इसने, लोग कर दिया, तो लोग वी आई। अब यहां पर जो आउटपुट निकला उसको मैं वी नोट वन ले लेता हूं, ठीक है, और ये वी नोट वन निकलेगा क्या, प्रोपोर्शनल किसके होगा, लोग वी आई। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से वी नोट वन है वो इस डायोड को दे देता हूं, जैसे ही डायोड को दिया तो यहां एंटी लोग लगा है और मान लेते हैं यहां जो आउटपुट निकलेगा वो वी नोट टू निकलेगा, ठीक है, मीन्स यहां आउटपुट वी नोट टू प्रोपोर्शनल किसके होगा, पहले क्या लगा है एंटी लोग इसका काम होगा, उसके बाद वहां से इनपुट क्या आ रहा है इसके पास, लोग वी वन, मीन्स लोग से एंटी लोग जाना चाहिए, तो ओवरऑल जो आउटपुट है वो क्या मिलना चाहिए आपको, वी वन, मीन्स वी आई या फिर वी वन, जो भी आपको लेना है ओवरऑल आउटपुट आपको ये मिलना चाहिए। अब अपन सैद्धांतिक मान अपन ने पूरा पढ़ा है, अभी अपन ने पूरा सॉल्यूशन किया है और अपन ये मेजर करते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है, जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होता है वो इस डिवाइस के लिए भी एप्लीकेबल है कि नहीं, वो अपन ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसका आउटपुट मैं जानता हूं, उधर इक्वेशन लिखा हुआ है माइनस नीटा वी टी लोग वी आई अपोन आई एस आर, ये इनपुट मैंने इसको दिया, फाइनल जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो मेरे पास वो वाला है, नीचे जो लिखा है इसको वन ले लेता हूं और नीचे जो लिखा है उसको वी नोट, अभी जो समझाया है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है पूरा। तो माइनस आई एस आर
1 की पावर वी आई, वी आई की जगह मेरे पास इनपुट कौन सा हो गया, यहां देखिए वी नोट 1 डिवाइडेड बाई निटा वीटी। इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 1 को 2 में रख सकते हो आप वी नोट 1 की जगह, रख दीजिए वी नोट 2 इक्वल माइनस आई एस आर 1 की पावर, रखिए माइनस निटा वीटी लोक वी आई अपोन आई एस आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई निटा, ये चला गया वी नोट 2 माइनस आई एस आर, ठीक है, ई लॉग ऑफ वी आई अपोन आई एस आर, ई से लॉग चला गया, तो वी नोट 2 इक्वल माइनस आई एस आर मल्टीपल बाई ठीक तो रख रहे हैं ना अपन वैल्यूज, अच्छा नेगेटिव में है, देखिए ये पूरा मान नेगेटिव में है तो यहां पर क्या आना है, नेगेटिव आना है, ठीक है ना, तो इसको पहले पॉजिटिव बनाना रहता है उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना रहता है, थोड़ी जल्दी कर गए अपन, इसको पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव बनाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा पूरा, तो निटाविटी तो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये टर्म निटाविटी अपॉन लोक वी आई, समझिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है आई एस आर। अब अपन कह सकते हैं कि ये आपस में चला जा रहा है, मीन्स अपन यहां से रिजल्ट निकाल देंगे, नीचे का नीचे वापस ऊपर पहुंच जाएगा, तो फाइनल ओवरऑल आपके पास क्या वी नोट टू इसे लोग चला जाएगा तो माइनस आई एस आर प्रेजेंट है, और ये आई एस आर वापस ऊपर चला गया तो आई एस आर डिवाइडेड बाई नीचे क्या रहेगा वी आई, ठीक है। अब अपन ने ये देखा कि हमने सॉल्यूशन किया और सॉल्यूशन में वी नोट टू आना क्या चाहिए था, वी आई आना चाहिए था, लेकिन आ क्या गया ये वाला मान, मीन्स यहां कुछ तो एरर है, मीन्स ये जो डिवाइस है ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है। इसका मीनिंग क्या है, यदि यहां पर मेरे को पूरा का पूरा वी नोट टू जो है वो क्या चाहिए वी आई चाहिए, तो मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं करना, इन दोनों के बीच में आप बफर सर्किट लगा दो, क्या लगाना है अपने को बफर सर्किट यूज करना है, और बफर सर्किट द्वारा अपन ये देखेंगे कि वाकई में ऐसा हो गया क्या, ठीक है, ये समझ आया पूरा एक्सप्लेनेशन। अब अपन चलते हैं कि इन दोनों के बीच में जैसे ही बफर सर्किट मैंने बैठाया, बफर सर्किट करेगा क्या, इसका जो नेगेटिव मान आ रहा है इसको पॉजिटिव कर देगा, यहां पर पॉजिटिव, उसके बाद इसका जो नेगेटिव मान आ रहा है उसको क्या कर देगा पॉजिटिव, फिर अपन यही एनालिसिस करेंगे, और यदि ये आई एस आर नीचे आ जाएगा वी आई ऊपर आ जाएगा तो आपस में कैंसिल होके वी नोट टू क्या आ जाएगा वी आई आ जाएगा। ये एरर है, ये जो अपन ने समझा है ये पूरा एरर है, इस एरर का रिमूव कैसे करेंगे, बीच में बफर सर्किट लगा के अपन एरर को यहां से रिमूव करेंगे, मीन्स मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट तो रॉन्ग नहीं हो सकता। इसका मीनिंग क्या है, कहीं ना कहीं अपने सर्किटरी में ही कोई प्रॉब्लम है, तो इस सर्किटरी में आप बफर सर्किट लगा दीजिएगा और थोड़ा सा वेट करिएगा, सारा कुछ आपके सामने लिखा रहेगा, ओनली सर्किट थोड़ा सा चेंज कर पा रहे हैं अपन, और कैसे चेंज होगा समझिएगा पूरा, थोड़ा सा टाइम और लगेगा क्लास में, क्योंकि कॉन्सेप्ट लॉग और एंटीलॉग से रिलेटेड है, वो सारे क्लास में कंप्लीट होने जरूरी रहते हैं ताकि समझ अच्छा आए, उसका यदि डिवाइडेशन हो जाता है तो अंडरस्टूड करने में परेशानी थोड़ी रहती है, और पूरा मैटर एक जगह जब मिलता है तो पढ़ने में बहुत अच्छा महसूस होता है कि पूरा मैटर मिला है हमें एक ही जगह। करना क्या है जी, देखिए वही कर रहे हैं अपन जो किया है, नेगेटिव पॉजिटिव इनपुट प्रोवाइड करवा दो, ठीक है, फिर अपने को कोई डायोड लगाना है, अपन पहले कुछ ऐसा कर रहे हैं एंटीलॉग वाला अपन पहले लगा रहे हैं, ठीक है ना, कि एंटीलॉग के बाद क्या लगाएंगे अपन लॉग वाला यूज करेंगे। देखिएगा एंटीलॉग का कुछ डायग्राम इस प्रकार से होगा, यहां डायोड होगा, आउटपुट वोल्टेज दिस विल बी ग्राउंडेड। बफर सर्किट मैंने आपको पढ़ा दिया था कैसा होता है, यूं करो उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव, जो रेजिस्टेंस यहां है वही रेजिस्टेंस आप यहां पे लगा दीजिए, ये लगा दिया, और इसको क्या कर दीजिए ग्राउंड, तो ये क्या है बफर सर्किट, ठीक है, और ये अपने पास क्या है एंटीलॉग,
ओके नो प्रॉब्लम। सपोज किया यहां जो आउटपुट निकलेगा वो वी नॉट वन है, ठीक है। नेक्स्ट बफर सर्किट से आगे जो आउटपुट निकलेगा उसको अपन इमेजिन कर लेते हैं, यहां जो आउटपुट मिलेगा अपने को वो वी नॉट टू है। आगे चलो, थोड़ा एंटी लॉग लगाया, अब अपने को लॉग लगाना होता है, लगा दीजिए। लॉग में क्या करोगे, डायोड लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, मीन्स ये नेगेटिव पे प्रोवाइड करवाओ, फीडबैक में रेजिस्टेंस ले लो, ये लो, ठीक है, और इस वाले टर्मिनल को ग्राउंडेड कर दो। इतना काम हुआ। उसके बाद आगे एक बफर सर्किट आप और लगा दीजिए, मीन्स मैं थोड़ा यहाँ लगाता हूँ, ठीक है ना, चलिए सुंदर भी होना चाहिए। माइनस निटा वी टी लॉग वी आई अपॉन आई एस वापस बफर सर्किट अपने को लगाना है, बना दो ओप एम्प, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड कर दो। और बफर सर्किट की खास बात क्या होती है, यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा है वही रेजिस्टेंस आपको यहाँ लगाना, बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं अपन। ये भी रेजिस्टेंस आर रहेगा, ये भी रेजिस्टेंस आर रहेगा, दिस विल ग्राउंडेड। अब अपन इमेजिन करते हैं कि ये जो सर्किट है, ठीक है, वो कोई अलग सर्किट है, ठीक है, और ये वाला सर्किट किसका है, लॉग एम्पलीफायर का है, और ये वापस क्या आ गया अपने पास, बफर आ गया, ठीक है। यहां अपन ने माना आउटपुट वी नोट वन, वी नोट टू, इससे निकलने के बाद आउटपुट मान लो वी नोट थ्री, इससे निकलने के बाद फाइनल आउटपुट वी नोट फोर, जो ही अपना क्या होगा आउटपुट वी नोट, और किससे मैच करवाएगा आउटपुट वी नोट को, इस वी आई से मैच करवाएगा। ये एनालिसिस आपके सामने अब तक पड़ा है, डायग्राम बड़ा देखे बिल्कुल मत डर जाना, क्योंकि डरने का कोई लॉजिक है ही नहीं, बहुत आसान है। पूरा लेक्चर जो अटेंड करता है उसे कोई दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि देखिए पूरा कितना सोना सोना चल रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे अपन पूरा मैटर कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अपन सर्किट बनाते हैं, सर्किट अब मैंने पूरा इस सर्किट के बारे में आपको बताया है कि ये कैसे बना, बफर मैंने पढ़ा चुका आपको, लॉग पढ़ा चुका, एंटी लॉग पढ़ा चुका। अब अपने पास ये टास्क है मैथमेटिक्स वाला कि इनपुट को आपको आउटपुट के इक्वल निकालना। चलिएगा, एंटी लॉग है अपने पास, और एंटी लॉग का आउटपुट क्या होता है वो ढूंढिए पहले, वी नोट देखिए, और इससे निकलने के बाद अपन ने वी नोट वन एज्यूम किया, वहां पे चलिए इक्वेशन जो नीचे लिखा हुआ है, फोर माइनस आई एस आर ई की पावर वी आई अपॉन निटा बीटी, ये कहां जाएगा जी, बफर में, ये बफर में चला गया। बफर का काम क्या होता है, यहां से नेगेटिव को गायब कर देना। बफर क्या करेगा, सिर्फ नेगेटिव को गायब करेगा, मींस बफर का जो आउटपुट आपको वी नोट टू मिलेगा, पूरा प्रिंसिपल बताया हुआ है कि कैसे नेगेटिव को ये रिमूव करेगा। प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा, बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन आपको मिलेगा। वी नोट टू है, क्या मिल गया, पॉजिटिव कर दिया, तो आई एस आर ई की पावर वी आई अपॉन निटा विटी, निटा विटी नहीं है, ये आई एस आर है, उधर देखिए आप इक्वेशन, अच्छा निटाविटी ही है, निटाविटी नीचे वाला काम में ले रहे हैं ना। अच्छा जी, वी नोट टू तक अपन पहुंचोगे। अब फाइनल ओवरऑल देखिए, ये वी नोट टू कहाँ जा रहा है, इस लॉग एम्पलीफायर, लॉग वाला ये पड़ा अपने पास, निकालिए वी नोट माइनस निटाविटी लॉग। अब अपने लिए वी आई क्या हो गया, इसका आउटपुट हो गया क्या है, वी नोट टू, और यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, वी नोट वन, तो वी नोट टू वी नोट टू डिवाइडेड बाई आई एस आर। जब ये बफर में से चला जाएगा तो बफर का अपन ने वोल्टेज क्या मान रखा है, वी नोट फोर, ये थ्री है, वी नोट फोर क्या होगा, इस नेगेटिव साइन को यहां से रिमूव कर देगा, हटा दीजिए इसको, तो निट्टा वी टी इंटू लॉग वी नोट थ्री डिवाइडेड बाई आई एस आर। समझ पाए आप इस बात को कि कैसे अपन ने ये किया है, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। थोड़ा और आगे अपन मूव करते हैं अब कि अपने पास फाइनल ओवरऑल आउटपुट क्या निकलेगा। देखिए इस इक्वेशन को देखिए, तो वी नोट टू इक्वल आई एस आर, ठीक है, ई की पावर
ये इन्वर्ट होगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा निटा विटी अपो, नीचे क्या आएगा अपने पास वी आई का मान आएगा, ठीक है। तो आई एस आर वी नोट टू आई एस आर इंटू ई की पावर निटा विटी अपॉन वी आई फाइनल ओवरऑल जो लास्ट में आपके पास निकल के आ रहा है इसको आप यूज कीजिए, तो निटा विटी इंटू लॉग ऑफ वी नोट थ्री जो ओवरऑल लास्ट में निकलना है डिवाइडेड बाई आई एस आर। देखिए ये कॉन्स्टेंट है, इससे तो लॉग चला गया, वापस से देखिए थोड़ा सा रहा है कि होगा क्या, फाइनल ओवरऑल वी नोट इक्वल आई एस आर, जितना आराम से चलेंगे एरर होने की गुंजाइश उतनी ही कम रहेगी। देखिए नेक्स्ट ई की पावर निट्टा विट्टी, इनपुट अपन प्रोवाइड करवा रहे थे लेकिन इनपुट वाला मान नीचे है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये ऐसे लिखा जाएगा फाइनली निट्टा विट्टी इंटू लॉग। नेक्स्ट टर्म V नोट फोर अपॉन आई एस आर, ठीक है, इससे लॉग चला जाएगा और V नोट वन है, ठीक है, इसी को अपने को इन लाइक एज इनपुट लेके चलना है, ठीक है ना, ये वाला टर्म यहां पे मानना है। चलिए आगे आई एस आर इंटू निटाविटी रहेगा, नीचे निटाविटी, फिर क्या V नोट फोर इनपुट है डिवाइडेड बाई आई एस आर, ये चला गया ये चला गया, मीन्स फाइनली ओवरऑल अपन लिख सकते हैं इनपुट किसके इक्विवेलेंट आ गया वी नोट फोर, और वी नोट फोर ही क्या है आउटपुट वोल्टेज वी नोट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी थ्योरिटिकल आता है कि इनपुट को आपको यदि आउटपुट के इक्वल करना है तो आप क्या करते हो, तो बस इतना ध्यान रखिए बीच में आप बफर सर्किट काम में ले, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है अपने पास, ठीक है। यदि कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम पे आप बता दीजिएगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको करवा देंगे। पूरे लेक्चर में अपने लॉगरिथमिक और एंटी लॉगरिथमिक के बारे में पूरा डिस्कशन किया है, ये अपने पास टास्क था जिसको अपने कंप्लीट किया है। उम्मीद है लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहे, यदि जुड़े रहे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप सीखे गए हो। अगर लेक्चर्स देख रहे हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही है जो इससे भी शानदार लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।